अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम महबूब और लाइव टीवी के प्लेटफॉर्म से सीपैक ग्वादर और पाकिस्तान डेवलपमेंट के हवाले से आज की बड़ी अहम अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूं। डॉक्टर आरफ अलवी का दौरा जो कि मंडे को पहुंचे चाइना और उस दो दिन के विजिट पे चाइना में थे, वहाँ पे उनके साथ जो हाई ऑफिशियल्स गए उसमें जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब थे, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स असद उमर साहब थे और सीनियर ऑफिशियल्स थे। बकायदा वहाँ पे बहुत अच्छा उनका वेलकम कहा गया है। वो चाइनीज़ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल अफेयर्स हैं चंगफू, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू चाइना निगमान आलमगीर हाशमी ने जो है और सीनियर ऑफिशियल्स ने जो है वो जो कि वहाँ के चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पाकिस्तान एम्बेसी बीजिंग में थी उन्होंने वेलकम कहा। इसके अलावा जो है वो लिब्रेशन आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया सदर को। जब इस दौरे को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना में बहुत पजीराई मिली और बहुत सार दुनिया में स्पेशली चाइना में एक ट्रेंडिंग के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और पाकिस्तान और चीन की जानब से आलमी बरदरी पर अब आलमी वबाई मर्ज के हवाले से दर्दम ज़ाहिर करने की अहमियत पर जोर दिया गया है। नाज़रीन, मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना ना भूलिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस के वबाई मर्ज से मुतासर है, ऐसी सूरत हाल में सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान और चीन के दो तरफा स्ट्रेटजिक तलाकात को तकवीत देने के लिए चीन का दौरा करके एक दानिशमंदाना फैसला किया है। सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने अपने चीन के दौरे के दौरान कहा है कि चीन ने कोविड-19 के खिलाफ अज़्म इस्तक़लाल के साथ मुकाबला करके मसाइल कायम कर दी है और आलमी तौर पर बिला तफरीक और मुमकिन तावन को यकीनी बनाया है। इस मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की भरपूर हमायत को शानदार अल्फाज में सराहा है और उन्होंने चीन की स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजीद फरोग देने के अजम का एदाद अदा करने के साथ साथ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने में तआवुन फराहम करने का अजम का इजहार किया है। जबकि चीनी वजीर अजम ली की चियांग ने आलमी बरदरी से कसीर जहती तावन पर जोर दिया। याद रहे कि सदर पाकिस्तान के इस दौरे में दोनों फ्रीक ममालिक ने बाहमी मफादात और इलाकाई तावन के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल करते वाज़े किया कि सी पैक पूरे खित्ते की समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए नहायत अहमियत का अमल है। इसके साथ साथ दोनों मुल्कों की आला क्यादतें वबाई मर्ज के सबब पैदा होने वाली सूरत हाल में आलमी बरदरी से रद्द अमल सहर करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। दरियसना चीन ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान पर अमल दरामद के सिलसिले में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की है और मसला कश्मीर के हल के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर गौर करने पर जोर दिया है। नाज़रीन, ये बड़ी अहम अपडेट थी। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आरफ अलवी साहब जो हैं वो चाइना का चूँकि विजिट करके आए और उसके बाद जो आजकल जो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कोरोना वायरस के हवाले के, पूरी दुनिया को इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि वो इसको अपने रद्द अमल को मैक्सिमम लेवल पे इसका इजहार करें ताकि जो कोरोना वायरस का जो वबा है इसको बड़े अहसन तरीके से, जिस तरह के चाइना ने इस पे पूरा काबू किया है, बाकी दुनिया के लोग स्पेशली पाकिस्तान को भी इस हवाले से जो है वो ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके सिलसिले में दूसरी अहम बात सी पैक के हवाले से कि कोरोना वायरस की वजह से एक सी पैक जब ग्वादर जब बाकी प्रोजेक्ट्स पे किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ने वाला, ना ही पड़ा है ना ही पड़ेगा, लिहाजा पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हक में चाइना की जो हमायत है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है और ये मसलसल होती रही। पाकिस्तान ने भी चाइना का भरपूर साथ दिया है और इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान चाइना का साथ देता रहेगा और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पूरी दुनिया में मानी हुई है। ये तो डियर व्यूअर्स अपडेट थी सी पैक ग्वादर पाकिस्तान डेवलपमेंट के हवाले से और कोरोना वायरस के हवाले से, जो कि स्पेशली हमारे सदर डॉक्टर आरफ अलवी के विज़िट के ऊपर थी, चाइना के विज़िट के ऊपर थी। फर्दर डिटेल और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको हमारा हौसला बढ़ा रहे और हम पाकिस्तान की अहमियत को पूरी दुनिया में उजागर कर सकें। अगले एक नए वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।